हालेलुया, शालोम, जय यीशु मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में से एक छोटी सी पत्री के ऊपर मनन करते हैं जो नए नियम में पाई जाती है, यहूदा की पत्री, दी एपिसल ऑफ जूड इंग्लिश में से कहते हैं। बहुत छोटी सी पत्री है, इसके अंदर केवल 25 आयतें हैं। देखिए इस पत्री की शुरुआत परमेश्वर का ये प्यारा दास कितने अनूठे ढंग से करता है। जूड द सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, यहूदा यीशु मसीह का दास, और अगले वचन में क्या लिखता है, एंड ब्रदर ऑफ जेम्स, और याकूब का भाई। यहूदा, ये जो शब्द है ये एक और यहूदा से भी मिलता है जिसने प्रभु यीशु मसीह को चूम के बेवफाई की और अंत में अपने परिश्रम का फल पाया, जो चोर था और जिसका हृदय अंधकार से भरा था, अंत में आत्मदाह करके अपनी जीवन लीला को जिसने समाप्त किया। तो परमेश्वर का ये श्रेष्ठ दास जिसका नाम यहूदा है, कैसे अपने आप को प्रस्तुत करता है, जूड द सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, यहूदा जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई, बता रहा है कि मैं वो यहूदा इस्करियोती नहीं हूं बल्कि मैं याकूब का भाई हूं। अब देखिए ध्यान से कितना दीन और विनम्र परमेश्वर का ये दास है। ये व्यक्ति असल में यीशु मसीह का आधा भाई है। ये परमेश्वर का दास मरियम और यूसुफ का बेटा है। अगर ये चाहता तो अपने आप को ये कह के संबोधित कर सकता था, अपनी भूमिका इस ढंग से पेश कर सकता था, मैं यीशु मसीह का आधा भाई, मैं मरियम और यूसुफ का पुत्र, लेकिन उसने फैमिली कार्ड प्ले नहीं किया। उसने अपना भाई यीशु मसीह को घोषित नहीं किया बल्कि वो अपना भाई याकूब को बता रहा है, और यीशु मसीह को क्या कह रहा है, जूड द सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, यहूदा जो यीशु मसीह का दास है। आपको मालूम यहूदा कौन सा यूनानी भाषा का शब्द इस्तेमाल करता है? यूनानी भाषा में अलग अलग शब्द है नौकर के लिए, सुनिए ध्यान से। एक शब्द है डायकोनिया। डायकोनिया का मतलब जो सेवा करते हैं कलीसिया के अंदर, सेवक हैं, उन्हें डायकोनिया कह दिया जाता है। डायकोनिया का असली मतलब है यूनानी भाषा में द वन हु गोज ब्रिस्कली स्कैटर्स द डस्ट ऑन द रोड, वो जो स्वामी की आज्ञा को पूरा करने के लिए तुरंत जाता है, वो लंबे शूज पहने होते हैं उसने, और धूल भरे रस्तों के ऊपर धूल उड़ाता जाता है। ये पिक्चर है, पिक्टोरियल वर्ल्ड है ये यूनानी भाषा में, डायकोनिया। रोमियो की पत्री 16 अध्याय में बहन फीबी को डायकोनिया कहा गया है। कुछ लोगों का विचार है कि औरतें पासवान हो सकती हैं, मेरा ऐसा विचार नहीं है। मैं ये अवश्य मानता हूं कि बहनें प्रचारक हो सकती हैं, यीशु मसीह की सेवा कर सकती हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में कहीं भी बहनों को पासवान, पास्टर होने के लिए ऑर्डेन नहीं किया गया है। फीबी जिस बहन की मिसाल लोग देते हैं रोमियो 16 अध्याय में, उसके लिए वर्ड यूज किया गया डायकोनिया, सेवक या सेविका। दूसरा शब्द है बाइबल में जिसे हिंदी की भाषा में प्रेरित पौलुस कहता है भंडारी। कुरिन्थियों की पत्री में वो कहता है हम परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं। वो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया अंग्रेजी में कहा गया स्टूअर्ड और हिंदी में कहा गया भंडारी। ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, वहीं से हमारा अंग्रेजी का शब्द निकलता है इकॉनमी, पैसा। ओइकोनोमिया कौन है, स्टूअर्ड कौन है, भंडारी कौन है, जो स्वामी के मैनेजर हैं, स्वामी के काम को मैनेज करते हैं, ये थोड़े ऊंचे दर्जे के नौकर हैं। ओइकोनोमिया जो है ऊंचे स्टेटस वाले बड़े दर्जे के नौकर हैं। उसके बाद आ जाते हैं डायकोनिया, जो छोटे सेवक हैं, डायकोनिया, डायकोनिया भाग दौड़ करके सेवा करने वाले। लेकिन सबसे जो नीचे दर्जे का सेवक है भाइयों और बहनों, उसे यूनानी भाषा में कहा जाता है डूलॉस। संत यहूदा जब अपने आप को पेश कर रहा है, आपको मालूम वो क्या लिख रहा है, कहता है यहूदा जो यीशु मसीह का डूलॉस है। आपको मालूम डूलॉस कौन होते हैं, डूलॉस होते हैं बंधुआ गुलाम। डूलॉस वो नौकर होते हैं जिन्हें मार्केट में जाके खरीदा जाता है। हालेलुया, डूलॉस वो नौकर है जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है,
डूलोस वो नौकर है जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, डूलोस वो नौकर है जिसका अपना कोई दर्शन नहीं, अपना कोई विजन नहीं, अपना कोई ख्वाब नहीं, अपने जीवन की कोई तमन्ना नहीं। डूलोस अर्थात बंधुआ गुलाम वो नौकर है जिसके जीवन का उद्देश्य केवल उसकी मर्जी को पूरा करना है जिसने उसे खरीदा है मंडी से। हालेलुया। जिसका वो नौकर है जो उसे मोल लेकर आया है उसको प्रसन्न करना, उसकी सेवा करना, उसकी खुशी को पूरा करना, उसके दर्शन को, उसके रोआ को पूरा करना, उसकी मर्जी को पूरा करना इस नौकर की खुशी है, तमन्ना है, आरजू है। और इसी उद्देश्य के लिए ये नौकर जीता है। ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है यहूदा। आज सेवक लोग कितने बड़े बड़े अलौकिक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अपने नाम के आगे बड़े बड़े शब्द लगाते हैं। भाइयों और बहनों, मैं बहुत डरता हूं, बहुत भयभीत होता हूं। कितना अहंकार का प्रदर्शन, कितना दिखावे का, बनावटीपन का प्रदर्शन है। देखें, ये यीशु मसीह की मां मरियम की कोख से निकला है और यूसुफ का बीज है, अपने आप को यीशु मसीह का बंधुआ गुलाम बता रहा है। वो इकोनोमिया नहीं बता रहा है, डायकोनिया नहीं बता रहा है, अपने आप को बता रहा है डूलोस। आपको मालूम डूलोस कौन होता है? बाइबल में लिखा है बंधुआ गुलामों के विषय में। प्रभु ने कहा जुबली जब आए उन्हें आजाद कर देना, वो आजाद हो जाएं, उनके बीवी बच्चे आजाद हो जाएं। लेकिन अगर वो नौकर ये कहे कि स्वामी मुझे तुझसे प्यार हो गया, इनके अंदर लिखा है उसे अपने घर के द्वार तक लेके जाना और उसके कान में सुराख कर देना। इधर कान में क्या कर देना? सुराख कर देना। वो उसके कान में सुराख इस चीज का निशान है कि ये अपनी मर्जी से तेरा बंधुआ गुलाम है। हालेलुया। बाइबल, ये बाइबल के अंदर जो अगुआ है, लीडर है, वो बंधुआ गुलाम है। आपको मालूम यीशु मसीह 22 अध्याय पढ़िएगा लूका रची सुसमाचार। जब उसके जीवन के अंतिम रात आ गई, फसा का पर्व आया, यीशु मसीह अपने चेलों के संग फसा मनाना चाहता था। वो कहता मुझे बड़ी आरजू थी, दिल की तमन्ना थी कि ये फसा मैं तुम्हारे संग मनाऊं। वो अपने 12 चेलों के संग, आपको मालूम यीशु मसीह ने अपने जीवन के आखिरी 72 घंटे 72 आवर्स केवल चेलों के संग बिताए। उसने सभाएं नहीं की, मीटिंग नहीं की, हीलिंग क्रूसेड नहीं किए, अपने चेलों के संग रहा क्योंकि वो अपना आखिरी समय अपने चेलों के संग बिताना चाहता था। अंतिम रात जब वो भोज करने बैठा, यीशु मसीह ने आपको मालूम क्या देखा? उसने देखा उसके चेले आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। वचन में लिखा चेलों के अंदर वाद विवाद उठा कि प्रभु के जाने के बाद कौन बड़ा होगा, किसे गद्दी मिलेगी हमारे गुरु की, कौन मठाधीश बनेगा, कौन महामंडलेश्वर बनेगा, कौन बड़ा स्वामी, बड़े डैडी, बड़े पापा जी बनेंगे। ये बहस चल रही थी उनके अंदर। सभी चेले अपनी 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 तर्क पेश कर रहे होंगे, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह जिसका दिल गमगीन था बहुत, यीशु मसीह का हृदय व्याकुल था। वचन में लिखा वो बहुत व्याकुल था, बहुत बड़ी वेदना से गुजर रहा था, बहुत बड़े दुख से गुजर रहा था। यीशु मसीह गतसमनी देख रहा था जहां उसे निचोड़ा जाएगा, गात शमानीम। आपको मालूम गतसमनी का मतलब क्या है? वो जगह जहां पे, जिसे पंजाबी में कह दो वेलना, जिसके अंदर से गन्ना निकाला जाता है, ऐसे वहां पे जगह थी गात शमानीम, जहां पे ऑलिव को इंजीरों, ऑलिव को, जैतून को, उन्हें क्रश किया जाता है, ऐसे एक बहुत बड़े वाट में रखा जाता है पत्थर के ऊपर से, बहुत बड़ा पत्थर उनके ऊपर डाला जाता है, दबाया जाता है, उसमें से जैतून का तेल निकलता है। यीशु मसीह वो पीड़ा अनुभव कर रहा है, यीशु मसीह क्रूस की शैडो, क्रूस की परछाई देख रहा है, यीशु मसीह बेरहमी से ठुकती कीलों को देख रहा है, कोड़ों की मार को देख रहा है। वो बहुत गमगीन है और वो अपने चेलों के साथ वो समय बिताना चाहता है, लेकिन चेले ये वाद विवाद कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि प्रभु के जाने के बाद बड़ा कौन होगा, बड़ी पदवी, बड़ी कुर्सी, बड़ी गद्दी किसे मिलेगी। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के भ्रष्ट दिल देखे, जो पोजीशन हंगरी हैं, पावर हंगरी हैं, जो दुनिया में बड़ी कुर्सी चाहते हैं, दुनिया की शानो शौकत चाहते हैं, दुनिया में मशहूर होना चाहते हैं, दुनिया के लोगों की वाहवाही चाहते हैं। यीशु मसीह ने ऐसे चेलों को देखा और प्रभु ने क्या किया?
उसने पोशाक पहनी थी रब्बी की, उस्ताद की पोशाक पहन, बहुत कीमती पोशाक थी वो, आपको मालूम वो सीमलेस थी, उसके अंदर जोड़ नहीं था, बहुत महंगी सिल्क थी, रेशम थी जिसके अंदर जोड़ नहीं था, इसीलिए रोमी सिपाहियों ने उसे गुनिया डाल के बांटा क्योंकि वह बहुत महंगी पोशाक थी। यीशु मसीह ने अपनी रब्बी की पोशाक उतार के रखी और अपने कमर के साथ एक गमछा बांध लिया, जैसे तौलिया होता है, एक लंबा तौलिया बांधा जो बहुत लंबा होता है। और आपको मालूम ये तौलिया कौन बांधते हैं? ये तौलिया बांधते हैं भाई और बहनों डूलोस, बंधुए गुलाम, जिन्हें मार्केट से खरीद के लाते हो आप, वो गुलाम ये गमछा बांधते हैं। और ये गुलामों का काम क्या होता है? बाथरूम साफ करना, टॉयलेट धोना, फर्श को साफ करना, डस्टिंग करना, हर तरह का जो घटिया काम है, निम्न स्तर का काम है, वो काम ये बंधुए गुलाम करते हैं। और ये बंधुए गुलाम का सबसे बड़ा काम होता है लोगों के पांवों को धोना, वो पांव को धोते हैं, फिर उसको टावल से साफ, ऐसे टोज को साफ करते हैं, हड़बड़ाहट में नहीं धो देते पांव, पांव को धोते हैं अच्छी तरह, फिर उनकी टोज को, उंगलियों को ऐसे साफ करते पांव की, फिर जैतून का तेल डाल के मसाज करते हैं। ये काम है बंधुए गुलामों का। यीशु मसीह ने गुरु की पोशाक उतारी और बंधुए गुलाम की पोशाक पहनी और अपने चेलों के पांव धोने लगा। आपको मालूम यीशु मसीह चेलों को संदेश दे रहा है। चेले कह रहे हैं बड़ा कौन होगा, बड़े पापा डैडी जी कौन होंगे, बड़े अपोसल मेजर माइनर कौन होंगे, बड़े ओवर आर्चिंग बिशप राइट रेवरेंट कौन होंगे? तो यीशु मसीह बता रहा है, यीशु मसीह बता रहा है जो झुक के सबके पांव धोता है, जो झुक के सबसे घटिया काम करता है, वो मेरे राज्य में सबसे बड़ा होगा। जो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाता है, बहुत बड़ी पदवी पे बैठता है, लोग उसको बहुत बड़े बड़े नामों से बुलाते हैं, बड़ी महिमा यश गाते हैं उसका, वो मेरे राज्य में सबसे छोटा होगा। हालेलुया। तो देखिए प्रभु का ये प्रेरित अपने आप को डूलोस बताता है, इकोनोमिया नहीं बताता है, डायकोनिया नहीं बताता है, डूलोस, मैं यीशु मसीह का बंधुआ गुलाम हूं, डिस्टिंक्शन बताता है। आपको मालूम यीशु मसीह के चार भाई थे, यहूदा, यकूब, योसेस या योसेफ और साइमन। आप पढ़ लीजिएगा मरकुस रचित सुसमाचार 6:3। और यीशु मसीह की बहनें भी थीं, प्लूरल वर्ड लिखा है, जीसस हैड सिस्टर्स, तो दो या दो से ज्यादा होंगी। यीशु मसीह की बहनें भी हैं, यीशु मसीह के भाई भी हैं, लेकिन यीशु मसीह के बहने और भाई ये जो है ये यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं। यूहन्ना 7:5 में लिखा है, दे डिड नॉट बिलीव इन हिम, उन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। और 1 में लिखा है उन्होंने यहां तक कहा, ही इज क्रेजी, ही इज गॉन आउट ऑफ हिज माइंड, इसका दिमाग बहक गया है, ये सही दिमाग में नहीं है, ये उन्होंने बोला। हालेलुया। तो यकूब देखिए एक बड़ी अनूठी पत्री लिखता है, मैं शायद इसके भी हम 2 करेंगे, मुझे मालूम नहीं अभी कितना टाइम हुआ है, 13 हुए हैं अभी, हम कुछ इसकी आउटलाइन देते हैं फिर दूसरे सेशन में इसे समाप्त करेंगे। तो यकूब पत्री क्यों लिख रहा है? एक ही पत्री लिखी यीशु मसीह के चेले ने जो अपने आप को यीशु मसीह का बंधुआ गुलाम कहता है। हालेलुया। अपने आप को इकोनोमिया नहीं कहता है, अपने आप को डायकोनिया नहीं कहता है, अपने आप को डूलोस कहता है। आपको मालूम प्रेरित पलूस अपने आप को डूलोस नाम दे के संबोधित करता है बार बार पत्रियों में। प्रेरित पलूस इतना अद्भुत दास है, अपने आप को जब रोम की जेल में है पत्री जेल में से लिख के भेज रहा है, और आपको मालूम क्या कहता है? कहता है मैं प्रेरित पलूस जो यीशु मसीह का कैदी हूं। वो ये नहीं कह रहा कि मैं कैसर का कैदी हूं, मैं रोमी सरकार का कैदी हूं, या मेरे ऊपर यहूदियों ने एक षड्यंत्र चलाया, धर्म षड्यंत्र चलाया, मैं रिलीजियस कॉन्स्पिरेसी का विक्टिम नहीं हूं, किसी पॉलिटिकल साजिश का शिकार नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का गुलाम हूं। वो दुख भोगता है शान से, परमेश्वर के लोग दुख पीड़ा कष्ट जो यीशु मसीह के लिए भोगते हैं। पत्रस अपनी पत्री में लिखता है अगर तुम प्रभु के लिए दुख भोगते हो, ये संसार में तुम्हारे साथ अन्याय होता है, जबरदस्ती धक्का होता है तुम्हारे साथ, तब तुम जो प्रभु के पथ पे चलते दुख भोगते हो तब जलाल का आत्मा तुम्हारे ऊपर वास करता है। लेकिन अगर तुम अपने बुरे कामों के लिए जेल जाते हो, बुरे कामों के लिए दुख भोग, बहुत सारे लोग मसीह लोग बुरे कामों के लिए जेल जाते हैं, कोर्ट कचहरी कचहरी में जाते हैं,
दुख भोगते हैं, तो प्रभु का दास कहता है तुम प्रभु के नाम की निंदा करवाते हो। यीशु मसीह के लिए हम शान से दुख भोगते हैं। यीशु मसीह के लिए दुख भोगना एक स्वर्गीय सौभाग्य है। तो प्रभु का ये जो दास है, सुनिए, कहता है जूड द सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड ब्रदर ऑफ जेम्स टू देम दैट आर सैंक्टिफाइड। किसने पत्री लिख रहा है? उनके लिए जो सैंक्टिफाइड है। सैंक्टिफाइड का मतलब जो परमेश्वर के लिए अलग कर दिए गए हैं, रोज रोज जिन्हें धोया जा रहा है। सैंक्टिफाइड का मतलब यह नहीं कि जो मुकम्मल तौर पर पवित्र कर दिए गए, जो रोज रोज पवित्र किए जा रहे हैं। वचन में लिखा है हम अंश अंश करके महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं, हम अंश अंश करके विश्वास से विश्वास की ओर जा रहे हैं, हम अंश अंश करके सामर्थ्य से सामर्थ्य की ओर जा रहे हैं। प्रतिदिन हम यीशु मसीह के अक्ष में बदलते जा रहे हैं। अभी हम फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। जो प्रभु हमें बनाना चाहता है, मुकम्मल तौर पे बना के पेश करना चाहता है, वो अभी हम नहीं बने, लेकिन हम उस निशाने की ओर दौड़ते जा रहे हैं। रोज रोज प्रभु हमें सैंक्टिफिकेशन इज अ डेली प्रोसेस। डेली द लॉर्ड सैंक्टिफाइज यू विद हिज वर्ड एंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट ही सेट्स यू अपार्ट। वो आपको अपने लिए अलग कर लेता है। ये है सैंक्टिफिकेशन। वो जो डेली सैंक्टिफाई किए जा रहे हैं बाय गॉड द फादर, पिता के द्वारा, आप प्रभु के लिए अलग किए जा रहे हो, शुद्ध किए जा रहे हो, पवित्र किए जा रहे हो। और दूसरा शब्द इस्तेमाल करता एंड प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड। इसके ऊपर मैं दूसरे सेशन में मनन करूंगा। प्रिजर्व का मतलब होता है टू कीप, संभाल के रखना, बचा के रखना। हालेलुया, परमेश्वर आपको और मुझे प्रिजर्व कर रहा है। आपको मालूम अचार होते हैं ना, अचार, उन्हें प्रिजर्वेटिव प्रिजर्व्स बोलते हैं, प्रिजर्व्स। और चीजों को जो करप्ट होने से, खराब होने से बचाती हैं चीजें, उन्हें प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। आप बहुत सारी चीजें खाते हो ना, पैक्ड चीजें, उनके लिखा होता है प्रिजर्वेटिव, सेकंड क्लास का यूज किया गया, कौन सा प्रिजर्वेटिव है। जो प्रिजर्वेटिव ऐसे केमिकल होते हैं जो चीजों को गलने, सड़ने और खराब होने से, और उनके टेस्ट में, उनके स्वाद में तब्दीली आने से बचाते हैं, उन्हें प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे प्रिजर्व करता है, संभालता है, और संभालता ही नहीं है, प्रतिदिन परमेश्वर आपको और मुझे संभाल के रखता है। याकूब अपनी पत्री में ये अद्भुत बातें लिखता है। दूसरे वचन में कहता है मर्सी अनटू यू, पीस एंड लव बी मल्टीप्लाइड। तुम्हें करुणा मिले, शांति मिले और प्रेम बहुतायत से मिले। और तीसरे वचन में कहता है बिलवेड व्हेन आई गेव ऑल डिलिजेंस टू राइट अनटू यू द कॉमन सालवेशन। तो क्यों लिख रहा है ये पत्री? कहता है मैंने मुक्ति के विषय में, उद्धार के विषय में तुम्हें पत्री लिखनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, कुछ हुआ। सुने आगे क्या लिखा। इट वॉज नीडफुल फॉर मी टू राइट अन टू यू एंड एग्जॉर्ट यू दैट यू शुड अर्नेस्टली कंटेंड फॉर फेथ दैट वॉज वंस डिलीवर्ड अन टू सेंट्स। कहता है मैंने तो तुम्हें उद्धार और मोक्ष की बातें, परमेश्वर के वचन की खूबसूरत बातें लिखने के लिए पत्री लिखनी चाहिए, लेकिन मैंने ये जरूरत समझी कि तुम्हें एक गहरा कलाम दिया जाए। क्यों? ताकि तुम अपने विश्वास की रक्षा करो। जो विश्वास हमें मिला है स्वर्ग से, परमेश्वर ने राई के दाने की तरह विश्वास हमारे हृदय में डाला है, और ये विश्वास परमेश्वर के कलाम के ऊपर मनन करने, सीखने और परमेश्वर के कलाम के ऊपर चलने से ये विश्वास हमारे अंदर गहरा होता जाता है। हालेलुया, इस विश्वास के लिए युद्ध कर। कैसे इस विश्वास के लिए युद्ध करना है, क्यों इस विश्वास के लिए युद्ध करना है, क्या जरूरत है इस विश्वास की रक्षा की, युद्ध करने की, ये यकूब अपनी पत्री में बताता है। कहता है आई नीडफुल फॉर मी टू राइट अन टू यू एंड एग्जॉर्ट यू दैट यू शुड अर्नेस्टली कंटेंड फॉर फेथ। जो संतों को विश्वास दिया गया स्वर्ग से, उस विश्वास की रक्षा के लिए युद्ध करें, इसलिए मैं ये पत्री लिख रहा हूं। इस पत्री के अगले खंड में हम चलेंगे, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बहुत बरकत दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया, द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।